मैं हूँ दिलीप उड़ाकर था आपकी मेज़बान आयशा, और आज हम आए हैं विश्वास नगर 60 फुटा रोड, और वो भी 3 फीट का डोसा खाने के लिए। तो भाई ये लोकेशन मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर सामने ही इनके जो है यहाँ पर बड़े बड़े शिव जी के जो मूर्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर एक मंदिर है उसके सामने ही मद्रास कैफे है, और ये 10 साल से यहाँ पर ये अपने जो डोसा है वो बना रहे हैं, और इंतहाई मज़े का लगता है भाई डोसा। तो स्पेशली जो मैं आज आई हूँ विश्वास नगर, तो मैं खाने के लिए आई हूँ 3 फीट का डोसा। तो चलिए यहाँ पर इनकी मेकिंग देखते हैं कि भैया जी बनाते कैसे हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डोसा है भाई वो हमारा बनने वाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ जो आज हम डोसा खाने के लिए स्पेशली विश्वास नगर आए हैं। तो गाइस आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इन्होंने फ्लेम भी ऑन कर दी है यहाँ पर। ओ क्या शॉट है ये, नीचे से ये फ्लेम पूरी तरह से भाई हाई पर है, और ये हमारा जो डोसा है वो तैयार हो रहा है यहाँ पर। ये ऑयल डाला ना, ऑयल डाला ना, ऑयल तो भाई आप देख सकते हैं फोल्ड हो रहा है ये, इतना बड़ा डोसा। ओ माय गॉड, तो भाई जो डोसा है वो बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और इसे बहुत आराम से फोल्ड करा है जिससे ये टूटे नहीं, और बन के ही पूरी तरह से तैयार हो गया है खाने के लिए, अभी ये रेडी है। तो आप यहाँ पे साइज़ भी देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है इसका। अच्छा ये पनीर आपने डाला है इसके अंदर, अनियन के साथ में पनीर इसके अंदर डाला है, और भाई पनीर भी बहुत सारा डाला है गाइस इसके अंदर, ये पनीर है, ये मसाला डाला है ना, ये क्या गया है इसके अंदर, अच्छा टमाटर की ग्रेवी है इसके अंदर। ओए होए, भाई इसकी जो ग्रेवी है टमाटर की और पनीर इन्होंने बहुत अच्छे से डाला है इसके अंदर, तो जायका आप समझ सकते हैं कि कितना आने वाला है जो आज हम डोसा खाने वाले हैं। ये नारियल की चटनी है ना,
ये कौन सी चटनी है? ये टमाटर प्याज लहसुन। अच्छा, टमाटर प्याज। और ये सांभर भाई, जिसके लिए हम पूरा यहाँ पर आए हैं वो सांभर है, और ये पूरी तरह से ये तैयार है इनका, ज़बरदस्त। अभी जो डोसा है वो हमारे पास में आ चुका है, 3 पिटका डोसा। तो आज 3 पिटका डोसा मैं खाने वाली हूँ, और स्पेशली मैं यहाँ पर आई हूँ विश्वास नगर 60 फुटा रोड, वो भी मद्रास कैफ़े में। और ये जो डोसा है देखने में तो भाई आपको शायद छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा डोसा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 पिटका डोसा है ये, और काफ़ी बड़ा डोसा है। और जो भैया जी ने बनाने के, भैया जो मेकिंग थी, जो इनका बनाने का जो पूरा प्रोसेस रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और 3 पिटका डोसा भाई कमाल है, तो आज इसे हम खाने वाले हैं, और आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, और इसकी प्राइस भी शेयर करूँगी, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हाई लग रही होंगी, बट हाई नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। और ऐसे प्राइस है भाई, कोई भी आराम से खा सकता है अपनी फैमिली में, या अपने फ्रेंड के, या किसी के साथ भी। तो आज हम इस डोसे को खाने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने हमें ये सब्ज़ी दी है, यहाँ पर ये मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये सब्ज़ी दी है। तो ये सब्ज़ी इन्होंने दी है यहाँ पर हमें, इसके साथ में सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है सांभर, ये सांभर आपको शायद दूर से दिखाई दे रहा है, ये सांभर है, और सांभर इंतहा देखने में अच्छा लग रहा है, तो खा के थे अभी चेक करेंगे। और इन्होंने ये दिए नारियल की चटनी, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं, मेरी नारियल की चटनी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सांभर के साथ में। और यहाँ पर ये एक चटनी और इन्होंने दी है हमें यहाँ पर रखी है, ये टमाटर की चटनी है, तो इसे भी खा कर टेस्ट करेंगे कैसी है। और यहाँ पर ये इन्होंने दी है मैन भाई, ये जो है ये फुल, ये भरी हुई है ये कटोरी, और ये पनीर की स्टफिंग है, अनियन के साथ में पनीर की स्टफिंग है। तो भाई आप यहाँ पर खाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं यहाँ पर, ये इतना बड़ा डोसा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ऐसे उठा कर देखते हैं, ये यहाँ पर ये डोसा है, और आप इसका साइज़ देख सकते हैं कि कितना बड़ा है ये। तो जैसे मैंने बताया कि रिवील मैं बाद में करूँगी आपको इसके प्राइस, लेकिन आप खाना शुरू करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर हम पनीर के स्टफिंग के साथ में यहाँ पर ये इतना खाने आ रही है, ये पूरे वैसे फजूल हैं यहाँ पर मद्रास कैफे में आकर, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गलत फर्क रहा है। जो डोसा है तो आपने यहाँ पर ये डोसा तो देख लिया कि कितना बड़ा है, ये 3 फिटका है यहाँ पर, और मुझे 3 फिटका पता नहीं क्यों ज़्यादा ही लग रहा है, ये 3 फिटका यहाँ पर डोसा है। और जो सांभर के साथ मैंने इस डोसे को खाया भाई, मुँह में एक ऐसा फील हो रहा है भैया, कितना अच्छा मद्रास कैफे में, जो दिल्ली का मद्रास कैफे में, उसमें आप बैठे खा रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्टी लगा है। और ये जो पनीर की जो इन्होंने सब्ज़ी दी है बनाकर, इसका टेस्ट इंतहाई मज़े का है, पूरे पैसे फूल हैं जब आप मद्रास के फिर आते हो और इसे खाते हो भाई, टेस्ट अखीर है, अखीर से भी ज़्यादा अखीर है यहाँ पर मद्रास के में। और 10 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर इनका दिल्ली में, 10 साल तक शॉप रेस्टोरेंट वगैरह इन्होंने खोल रखा है अपना, लेकिन जो टेस्ट है भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और पैसा वसूल जगह है। आई मीन कभी भी जब आप विश्वास नगर आएँ तो 60 फुटा रोड पर ये ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर मैं गाइस बता दूँ, मैं यहाँ पर रात में भी आई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत बड़ा डोसा खाना है तो आप सुबह में आएँ, क्योंकि स्पेशली जो डोसा है वो सुबह में यहाँ पर बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं सुबह में आई हूँ यहाँ पर, और तब जाके मुझे ये इतना बड़ा ये डोसा है वो मुझे मिला है, लेकिन भाई जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपको मद्रास जाने की, आपको चेन्नई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर अनलिमिटेड टेस्ट और जायके के साथ में यहाँ पर आप खा सकते हैं। 3 फिट का इन्होंने हमें ये डोसा दिया है, और साथ में ये पनीर की फुल पनीर की फुल यहाँ पर ये कटोरी है जो फुल भरी हुई है यहाँ पर, और इसके साथ में ये सांभर इन्होंने हमें दिए थे, ये सांभर आप चाहे कितना भी यहाँ पर खा सकते हैं, प्लस नारियल की चटनी दी थी इन्होंने हमें, और यहाँ पर ये टमाटर की चटनी दी थी। तो भैया 200 रुपये का ये फुल यहाँ पर ये
डोसा है और अनलिमिटेड टेस्ट है। तो गाइज कभी भी आप यहाँ पर विश्वास नगर या दिल्ली में कहीं पर भी है और आपको डोसा खाना है तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। एड्रेस जो है मैं मेंशन कर दूँगी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको एड्रेस कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और भाई टेस्ट अखीर है बोलना पड़ेगा, ज़बरदस्त टेस्ट है। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हमारी भी शिफ्टें लगती है, हमारी भी शिफ्टें लगी हुई है आजकल। तो भाई आज जो मेरा वीडियो शूट है वो रात में है काशी कबाब वाले के यहाँ पर, और अभी जो शूट है मेरा यहाँ का आज दिन में है। तो जिस तरह आपकी शिफ्ट लगती है उसी तरह मेरी भी शिफ्ट लगी काशी कबाब वाले के यहाँ पर, और मैं इसे डोसे को पूरा ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ये टूटने लगा है क्योंकि मैंने इसे बीच में से तोड़ दिया है, तो इंशाल्लाह अब मैं लगा सकती हूँ। यहाँ पर ये